हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीडीएफ पोजीशन से रिलेटेड और जानेंगे इसकी पोजीशन को कहाँ पे निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च कोलकाता, ठीक है। तो ये आईसर कोलकाता से ये नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पे इसका जो मेन सब्जेक्ट वो है आईसर कोलकाता पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप प्रोग्राम मतलब अगर आपने अपना पीएचडी जो है वो कंप्लीट कर लिया है तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पीएचडी आपके पास आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन 26 जुलाई 2021 को रिलीज किया गया था और यहाँ पे जो आपकी पीडीएफ की पोजीशन जो आपकी रहेंगी वो रहेगी आपकी आईसर कोलकाता में। तो यहाँ पे आपको आईसर कोलकाता में जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल डिसिप्लिन देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपकी बायोलॉजिकल साइंसेस हो, केमिकल साइंसेस हो, चाहे फिजिकल साइंसेस हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डिसिप्लिन में जो है आपको यहाँ पे पीडीएफ करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो आईसर कोलकाता है ये एस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट है आईसर का, आईसर कोलकाता। और यहाँ का हम बात करें मेन ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पीडीएफ फेलोशिप का, कि यहाँ पे जो है रिसर्च प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे मोटिवेट किया जाएगा और यहाँ पे क्या है इंटर इंस्टीट्यूशनल फ्लक्स ऑफ यंग रिसर्चर एट द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे लाइक आपको प्रोत्साहित किया जाए कि आप जो है अपना जो कैरियर है वो रिसर्च फील्ड में एस्टेब्लिश करें, ठीक है। इसीलिए जो पीडीएफ है इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया होता है और आप जो है कुछ और रिसर्च में अपना इंटरेस्ट या आपको कुछ लाइक इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, या आप हम बोल सकते हैं कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप पीडीएफ के लिए ऐसी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो है आप अपने खुद के दम पे जो है अपने जो है अच्छे अच्छे रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पीएचडी डिग्री होना कंपलसरी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि पीएचडी आपका होना कंपलसरी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया और एब्रॉड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने जो है अपना पीएचडी थीसिस सबमिट कर दिया है और आप वेटिंग वेट कर रहे हैं अपने अवार्ड ऑफ द डिग्री का, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने थीसिस सबमिट कर दिया है, अगर आपने थीसिस सबमिट कर दिया है तब भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है कि आईसर कोलकाता पीडीएफ कैन बी अवेल्ड ओनली वंस बाय अ कैंडिडेट इन हिज कैरियर, यानी कि अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया और आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया है तो आप दोबारा जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पीडीएफ वाला जो आईसर पीडीएफ का जो नोटिफिकेशन आता है ये हमेशा जो है ट्वाइस ईच ईयर, यानी कि हर साल में दो बार जो इसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पुट आउट एंड ऑन द आईसर कोलकाता वेब पेज। तो अगर आपको इसका बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको लाइक देखना होता है कि इसका जो नोटिफिकेशन कब आता है, तो आप इसके लिए जो आईसर कोलकाता के वेब पेज पे आप जो है ऑफिशियली जाके देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन वो जो ईयर में ट्वाइस आता है वो कब कब आता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अपर एज लिमिट जो मेंशन कर रखी है कि अगर आपने अपना पीएचडी कंप्लीट करने के विद इन वन ईयर अगर आपने ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे 34 ईयर्स एज होना चाहिए। वहीं विद इन 2 ईयर्स आफ्टर पीएचडी अगर आप जो है अपर एज लिमिट है तो वो 35, यानी कि अगर आपने सपोज 33 ईयर में जो है आपने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया है तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो विद इन 1 ईयर आफ्टर पीएचडी 34 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर पीएचडी 35 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स पीएचडी 37 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा 5 ईयर्स का अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते, चाहे एससी एसटी ओबीसी फिजिकली चैलेंज या वुमेन, तब आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करें नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो अमाउंट कितना दिया जाएगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करने पे मैं आपको जो है अमाउंट बता देता हूँ। और ये जो फेलोशिप रहेगी ये प्योरली टेम्परेरी असाइनमेंट के लिए रहेगी, ठीक है। ये आपकी परमानेंट नहीं रहेगी, ना ही आप इसके लिए यहाँ पे एज ए फैकल्टी अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है फेलोशिप इनिशियली आपकी 1 ईयर की रहेगी, उसके बाद आपको एक्सटेंड किया जाएगा 2nd ईयर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले 1st ईयर के लिए फेलोशिप रहेगी, फिर आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे 2nd ईयर तक एक्सटेंड किया जाएगा, और उसके बाद अगर 3rd ईयर का आपको एक्सटेंशन लेना है तो उसके लिए एक्सेप्शनल सम एक्सेप्शनल केसेस में ही जो है आपको हमें 3rd ईयर का फेलोशिप दिया जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेलोशिप की, तो देखिए यहाँ पे जो फेलोशिप आपको मिलेगी वो अगर आपके पास लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है पीएचडी आफ्टर पीएचडी तो 50,000,
वहीं अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 1 to 2 ईयर 2 ईयर का है तो 52,000, और 2 से ज़्यादा आपको ईयर का एक्सपीरियंस है तो मैं 54,000 पर मंथ, और अगर आपने सिर्फ अभी थीसिस सबमिट किया है लेकिन डिग्री अवार्ड नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे 35,000 जो है फेलोशिप दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एचआरए आपको 24% मिलेगा ऑफ फेलोशिप, यानी कि आपका 50,000 अगर आपका जो फेलोशिप है तो आपको उसका 24% जो है एचआरए ऐड करके दिया जाएगा। ऐसे रिसर्च ग्रांट जो आपको दी जाएगी 50,000 पर एनम, जो कि आप कंटीजेंसी बोल सकते हैं या आप इसके थ्रू आप ट्रेवल भी कर सकते हैं या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका रिसर्च ग्रांट आपको दिया जाएगा 50,000 पर मंथ का, पर ईयर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन मोड और कॉल एप्लीकेशन की, तो आप सिलेक्शन आपका कैसा होगा, तो देखिए हमें कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई टू रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट्स एट द एक्टिव विद इन डेडलाइन। द एप्लीकेंट शुड आइडेंटिफाई अप टू 3 मेंटर ऑफ हिज चॉइस ज्वाइंट मेंटरशिप इन करेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के टाइम पे कोई भी आप जो 3 मेंटर्स जो है वो आपको चूज करने पड़ेंगे, और अगर आप जो है ज्वाइंट मेंटरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी यहाँ पे आपको इनकरेज किया जाएगा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ज्वाइंट मेंटरशिप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सिलेक्शन कमिटी रहेगी उसके सामने आपको जो है लाइक आपको मे बी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल सकते हैं या आपको ऑनलाइन या फिजिकल प्रेजेंटेशन दे, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा कैंडिडेट मेक्स अप मेक अ प्रेजेंटेशन ऑनलाइन और फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना जो भी आप करना चाहते हैं उसका आपको प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, तो भी आपको डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऑनलाइन हो गया या फिजिकल, तो कमिटी मेंबर के ऊपर डिसाइड लाइक डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा वो होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, अगर आप प्रेजेंटेशन अपना दे रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं तो अगर उन्हें अच्छा लगेगा या उन्हें इंटरेस्ट रहेगा उस टॉपिक में तभी वो आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो वो टोटली डिपेंड होता है सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे और जो अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका जहाँ सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका है सिलेक्शन एंड मोड एप्लीकेशन। तो अगर आप अप्लाई कैसे करना चाहते हैं तो एप्लीकेंट शुड सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ ऑन द ईमेल एड्रेस टू डिपार्टमेंट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको सीवी अटैच करना है, यानी यहाँ पे आपका सीवी रहना चाहिए इंक्लूडिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे आपका सीवी आपको देना है और उसमें आपके जितने भी पब्लिकेशन है चाहे जो भी हो, चाहे रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल बुक आर्टिकल बुक चैप्टर जो भी हो वो आपको वहाँ पे अपने सीवी में अटैच करना है। इसके अलावा आपका स्टेटमेंट और रिसर्च प्लान्स कि आप जो है क्या प्लान्स आपके हैं, इसके अलावा रिसेंट फोटोग्राफ, तो ये तीनों चीज़ें आपके सीवी में होने चाहिए। इसके बाद आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इसका आपका बीएससी या बैचलर डिग्री हो का सर्टिफिकेट होने चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट, और आपके मिनिमम 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, और ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये आपके लाइक जो भी आपको रेफरीज जो भी आप रिकमेंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो है वो डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं सेंड करना है, जो बस आपको बस अपने रेफरीज को बोलना है कि आपको इस डिपार्टमेंट में जो है रेफरेंस लेटर को सेंड करना है, ठीक है। अब देख लेते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे आपने पीएचडी चाहे किसी भी सब्जेक्ट में की हो, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं बायोलॉजिकल साइंस केमिकल साइंस कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस अर्थ साइंसेस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फिजिकल साइंसेस, ठीक है। तो अगर आप जो है पीएचडी अगर अपने सपोज आपने अगर पीएचडी प्लांट साइंस माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट साइंसेस या आपने किसी भी अदर ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस आपने किया है तो आप बायोलॉजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल साइंसेस के लिए भी अगर आप इंटर डिसिप्लिनरी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो केमिकल साइंसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बायोलॉजी वाले जो ऐसे सब्जेक्ट है वो केमिकल साइंसेस में भी इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारा बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री साइंस केमिकल साइंस कंप्यूटेशन डाटा साइंस अर्थ साइंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फिजिकल साइंस है, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं तो इन सबके लिए यहाँ पे पीडीएफ की पोजीशंस को निकाला गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ फेलोशिप, आपकी फेलोशिप कब टर्मिनेट हो सकती है, तो अगर आप अपना जो पीडीएफ वो छोड़ना चाहते हैं तो आपको डीन ऑफ द फैकल्टी अफेयर्स आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप थ्रू द मेंटर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमीडिएटली, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा अगर आप जो है फेलोशिप टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अलावा। देखिए बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे कैजुअल लीव दी जाएगी 8 डेज की, इसके अलावा एनुअल लीव्स आपकी रहेगी 30 डेज इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो ये आपकी जो है बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा और कैंपस फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी, जैसे एक्सेस टू कंप्यूटर सेंटर्स सेंट्रल लाइब्रेरी कैंटीन फैसिलिटी जीटीसी,
अगर आप एकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल में या गेस्ट रूम में एकोमोडेशन दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे एकोमोडेशन लेते हैं देन आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है? तो नो एचआरए फॉर इफ़ यू टेक एकोमोडेशन इन द यूनिवर्सिटी और द आईएसएस इंस्टीट्यूट, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, अगर फिजिकल इंटरव्यू होता है तो आपको यहाँ पे नो TA DA, यहाँ पे कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इमिडिएटली आपको जो है यहाँ पे लाइक ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसा कोलकाता में, ठीक है? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं डिपार्टमेंट के बारे में तो बस क्लिक करिए आप, जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज पे आप जब इसके ऑफिशियल होल्ड उस पर जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और तब ये आप जो है इसे इस नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में जो मतलब इसके क्या क्या जो प्रोजेक्ट हैं वो सेंक्शन है। तो मैं चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा इसका इंटरफेस। और यहाँ पे जैसे ही आप बायोलॉजिकल साइंसेज पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट के लाइक डिटेल्स है वो सब आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे ही आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज में कौन कौन सी पोजिशंस हैं और क्या क्या जो प्रोजेक्ट है सेंक्शन हुए हैं और क्या क्या आपको जो है वर्क करना है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया कि आपका यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए MSc में, CV में आपके जितने सर्टिफिकेट वो सब होने चाहिए, आपका रिसर्च प्लान होना चाहिए, शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे आपको जो है अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो आपको इंटरव्यू देना चाहिए देना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंशन कर रखी है कि आपकी जो लास्ट डेट 26 अगस्त है और कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर प्रीफर्ड प्रोजेक्ट। तो देखिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप प्रोजेक्ट दे रखे हैं तो आपको वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट टाइटल भी जो है मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसके किस प्रोजेक्ट में जो है वो काम करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दे रखा है, प्रोजेक्ट मेंटर्स दे रखा है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड और एक्सपर्टाइज दे रखा है। तो आप जिस भी लाइक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जिस भी प्रोजेक्ट में तो वो प्रोजेक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 14 प्रोजेक्ट जो है इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो इन 14 प्रोजेक्ट में जिनमें भी आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर अदर फील्ड के हैं जैसे कि अगर मान लीजिए फिजिकल साइंसेस के हैं तो आप यहाँ फिजिकल साइंसेस क्लिक करेंगे तो उसमें भी सेम टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो मेंशन कर रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि आपको जो है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप आर गवर्न बाई करंट गाइडलाइन ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिटेल्स ऑफ विच इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी सैलरी एंड एलाइड बेनिफिट आर अवेलेबल है। तो देखिए ये सब ऑलरेडी मैंने आपके साथ मेंशन कर लिया। तो अगर आप फिजिकल साइंसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप फिजिकल साइंसेज के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे हैं फील्ड ऑफ रिसर्च इन विच एप्लीकेशन आर सॉर्ट, तो यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन में आप बोल सकते हैं डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स में यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्ट है आप उसके थ्रू तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करने पर आर्थ साइंस केमिकल साइंसेज सबके लिए यहाँ पे जो है डिटेल में लाइक नोटिफिकेशन दे रखा है और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स है वो भी मेंशन कर रखे हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो आप जिसमें भी आपको मास्टर या PhD डिग्री हो आप उसके लिए अप्लाई करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।